खबर है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजू लता पटले के निर्देशानुसार चौरहट एसटीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमेलिया अभिषेक सिंह के कुशल नेतृत्व में सिहावल चौकी प्रभारी पूनम सिंह के द्वारा दिनांक 7/1/2022 को वन अभयारण्य परिक्षेत्र बगदरा द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक UP 63A 8640 और UP 64A J 2711 को जब्त किया गया था, जो दिनांक 13/2/2022 को मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसमें सिहावल चौकी में अपराध कायम किया गया था, जिससे विवेचना के दौरान चोरी में वन परिक्षेत्र में श्रमिक वाहन चालक अवध राज केवट पिता दादू केवट उम्र 40 वर्ष, कौलेश केवट पिता सुखू केवट उम्र 22 वर्ष, रितेश केवट पिता शिवचरण केवट उम्र 23 वर्ष निवासी तमई बहरीवा टोला के 60 घाट पर 30,000 रुपये देकर मोटरसाइकिल को चोरी करवाया गया था। वही हम आपको आगे बताते चले कि दिनांक 4/4/2022 को अवधराज केवट को गिरफ्तार कर और 5/4/2022 को कौलेश और रितेश केवट को मोटरसाइकिल के साथ उनके गृह ग्राम तमई से गिरफ्तार कर सिहावल चौकी लाया गया, जिसके बाद आरोपियों पर अपराध क्रमांक 57/22 धारा 400, 57, 380, 120 के तहत कार्रवाई कर जिला न्यायालय रवाना किया गया, जहां से तीनों अपराधियों को जिला जेल भेज दिया गया है। पोल कोल पोस्ट के लिए सीधी से राजभवर केवट की रिपोर्ट। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।